जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना, आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर वन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अप्लाइड फिजिक्स वन अकॉर्डिंग टू SBT बिहार सिलेबस के हम MCQ लेकर आए हैं यूनिट नंबर टू का। सो सब्जेक्ट का नाम है AP1, जिसको हम लोग बोलते हैं अप्लाइड फिजिक्स वन, और यूनिट है दूसरा जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। सो लास्ट के वीडियो में हमने यूनिट नंबर वन का MCQ लाया था, सो आज हम यूनिट नंबर टू जो कि फोर्स एंड मोशन है उसका हम MCQ लेकर आए हैं। सो जैसा कि हमने फोर्स और मोशन को आपको बहुत ही अच्छी तरीक़ों से पढ़ाया है, सो आइए हम फोर्स और मोशन का MCQ देखते हैं। ध्यान रहे मेरे प्रिय छात्रों, वीडियो के नीचे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट कर सकते हैं, सर ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं SBT बिहार में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और इन्हीं आसान क्वेश्चन को बहुत सारे छात्र नहीं जानते हैं। सो बहुत सारे छात्र ये सोचेंगे कि सर इतना आसान SBT बिहार में पूछेगा, तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ मेरे प्रिय छात्रों, इसी तरह का क्वेश्चन डिप्लोमा SBT बिहार में पूछा जाता है, लेकिन कई छात्र उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। सो समय को ना व्यर्थ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर वन में जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो द डिफिनीसन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। सो व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? सो हमने जो है डिफिनीसन को बताया था, द क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सो टेम्परेचर इसके पास जो है केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, हम जो है टेम्परेचर को लिखते हैं केवल डिग्री सेंटीग्रेड में या केल्विन में, उसका डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है और डायरेक्शन होता भी नहीं है। उसके बाद है वेलोसिटी। सो ध्यान रहे मेरे प्रिय छात्रों, हमने जो है लास्ट के वीडियो में बताया था कि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी जब कभी भी हम लिखते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो वेलोसिटी जो है हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बतलाता है, जैसे कि 10 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद जो है इन ईस्ट डायरेक्शन। सो हमने जो है 10 मीटर पर सेकेंड लिखा, उसके बाद ईस्ट डायरेक्शन लिखा। सो हमने जो है यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी बात किया और डायरेक्शन के भी बात किया। सो वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम बात करें वॉल्यूम और मास की, तो वॉल्यूम और मास जो है यहाँ पर जो है स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। सो यहाँ पर ऑप्शन जो है वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पूछा गया है। सो आंसर नंबर बी जो कि वेलोसिटी है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड डैश डैश डैश, यानी कि वैसा क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है उसको हम क्या बोलते हैं? तो जैसा कि हमने बताया था डिफिनीशन, जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। सो स्केलर क्वांटिटी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्केलर क्वांटिटी। सो ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ट्रू फॉल्स यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि क्या फोर्स, यहाँ पर पूछा गया है कि क्या फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। सो फोर्स को हम देखेंगे, एफ़ क्या है, यानी कि फोर्स, फोर्स जो होता है हमेशा जो है, सॉरी, अगर हम फोर्स को एफ़ से डिनोट करते हैं, एफ़ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और फोर्स जो है जब कभी भी हम लिखते हैं तो उसका डायरेक्शन के साथ लिखते हैं, यानी कि हम इस तरह से लिखते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स या 5 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है डायरेक्शन बताया गया कि अपवर्ड में लगाया जा रहा है। सो यहाँ पर हम इससे हमें यह पता चलता है कि फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है। सो क्वेश्चन में पूछा गया कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, कथन जो है सत्य है या असत्य है, तो कथन जो है सत्य है, इसलिए आंसर नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ट्रू। चलिए मज़ा आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। सो अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, यानी कि ध्यान से समझिएगा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। सो जिस तरह से हमने आपको बताया था, यूनिट वेक्टर यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड वन होगा अर्थात यूनिटी होगा, अर्थात यूनिट होगा, इकाई होगा, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। सो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, इट हैज़ नो मैग्नीट्यूड, गलत ऑप्शन हो गया, उसके बाद है जीरो, ये भी गलत, उसके बाद कांस्टेंट बट नॉट जीरो, ये भी गलत, और डी में दिया है यूनिटी अर्थात इकाई। सो आंसर जो है इकाई सही हो जाएगा अर्थात यूनिटी। यूनिट वेक्टर के पास जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिटी होता है, हम सबको जानते हैं, वीडियो में हमने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव।
सो पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ जीरो मैग्नीट्यूड। सो कौन सा वेक्टर के पास आपका जो है जीरो मैग्नीट्यूड होता है। सो हमने आपको बताया था जीरो वेक्टर के पास जीरो मैग्नीट्यूड होता है। सो जीरो वेक्टर हैज़ जीरो मैग्नीट्यूड, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, जीरो वेक्टर। चलिए कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मेजरिंग द मोमेंट ऑफ मूविंग बॉडी इज। तो सबसे पहले मोमेंटम है, तो मोमेंटम को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मोमेंटम का फार्मूला याद करना पड़ेगा। सो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है मेरे प्रिय छात्रों। सो मोमेंटम इक्वल टू, हम सबको जानते हैं, क्वेश्चन हम आपको दिखा दें, मास इनटू वेलोसिटी। मास मोमेंटम, एम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। सो मास गुने वेलोसिटी होता है। सो मास का यूनिट क्या होता है। सो मास का हो गया आपका केजी, उसके बाद जो है के और जी, उसके बाद जो है आपका वेलोसिटी। सो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। सो केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सो केजी मीटर पर सेकेंड आपका आंसर जो है बी नंबर ऑप्शन में दिया है। सो बी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, तगड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द टू फोर्सेस नेमली एक्शन एंड रिएक्शन कमिंग इनटू एक्शन व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। टू फोर्सेस, दिस टू फोर्सेस डैश, ऑप्शन दिया है ऑलवेज एक्ट्स ऑन सेम बॉडी, ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक्ट्स ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन कहता है कि न्यूटन जो थर्ड लॉ है उसके अनुसार वहाँ पर दो जो है पाया जाता है, जिस तरह से हम सबको जानते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन। न्यूटन का जो है जो तीसरा नियम है गति का, उसमें बताया गया है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो यहाँ पर पूछा गया कि जब दो बॉडी कॉन्टेक्ट में होंगे तो दोनों का जो फोर्स होगा वो कैसा होगा। सो हम आपको बता दें, इस हम एग्जांपल को समझेंगे। मान लीजिए एक चिड़िया है, ठीक है, एक बर्ड है। अब ये बर्ड जो है आसमान में फ्लाई कर रही है। सो चिड़िया जो है आसमान में फ्लाई कर रही है, तो चिड़िया जो है उड़ना चाहती है, अर्थात चिड़िया जो है ऊपर की ओर जाना चाहती है, लेकिन हवा इसको जो है नीचे की ओर दबाना चाहता है। सो यहाँ पर जो है एक्शन और रिएक्शन दोनों जो है आपस में बराबर होंगे। फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो ये हो गया आपका एक्शन और ये हो गया आपका रिएक्शन। सो यहाँ पर जो है चिड़िया ऊपर की ओर उड़ना चाहती है, लेकिन हवा उसको नीचे की ओर दबाना चाह रही है। सो एक्शन और रिएक्शन दोनों जो है बराबर हैं, लेकिन बॉडी की अगर हम बात करें तो क्या दोनों बॉडी एक हैं? नहीं, एक जो है ये चिड़िया है, वर्ड है, और एक जो है हवा है। तो यहाँ पर दोनों बॉडी जो है अलग अलग हो गया। सो ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा, जिसके पास डिफरेंट बॉडी होगा और यहाँ पर देखिएगा दोनों का जो जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है और इसका जो है नीचे की ओर है, यानी कि एक ऊपर में है एक नीचे में है, यानी कि बॉडी जो है डिफरेंट है लेकिन आपका जो डायरेक्शन है वो भी डिफरेंट है, यानी बॉडी और डायरेक्शन दोनों जो है अपोजिट होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए ऑप्शन में आते हैं। Always acts on same body, बिल्कुल नहीं। Always acts on different body in opposite direction, ये जो है आपका सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी different body और opposite direction होगा। So ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन कहता है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी मूविंग विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड भी इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाई। सबसे पहले इसको समझेंगे। मान लीजिए एक सर्कल है, अब इसमें जो है मान लीजिए सर्कल का रेडियस आर है। अब कह रहा कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड भी, यानी कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट है और रेडियस आर है। सो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। सो एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा हमेशा जो है होता है भी बाई आर होता है। ओमेगा क्या होता है, भी बाई आर होता है। सो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू भी बाई आर, याद रखिएगा मेरे प्रिय छात्रों। सो ऑप्शन नंबर सी में जो है आपका सही आंसर दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इफ ए पार्टिकल मूव्स विथ, क्वेश्चन नंबर आपका जो है एट हो गया, अब नाइन।
इफ पार्टिकल मूव्स विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इन ए सर्कल देन ड्यूरिंग इट्स मोशन इट्स मोमेंट इज कंजर्व, एनर्जी इज कंजर्व, बोथ एनर्जी एंड मोमेंट इज कंजर्व, नन ऑफ द एबव इज कंजर्व। अब देखिए इसको समझेंगे। मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है और इसका जो है रेडियस आर है। यहाँ पर कह रहा है इफ ए पार्टिकल, मान लीजिए कोई पार्टिकल है, बॉडी है, मूव्स विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ये जो है कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, सो इसका जो है एनर्जी क्या होगा, मतलब इसका जो है क्या कॉन्स्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर जो है कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, सो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। सो यहाँ पर जो है वेलोसिटी अर्थात एंगुलर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, इसलिए जो इसका एनर्जी होगा वो जो है कंजर्व रहेगा, यानी कि ज्यों का त्यों रहेगा। सो एनर्जी कंजर्व हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी मूव्स विद कॉन्स्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्कल देन। तो देखिए अगर कोई बॉडी कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा है तो यहाँ पर जो है वर्क डन जीरो हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे या कभी भी अगर स्पीड नहीं बदलेगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है बॉडी मूव्स विद कॉन्स्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्कल, ठीक है, ये सर्कल है यहाँ पर कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ आ रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक चक्कर पूरा किया फिर इसका वर्क डन जीरो 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 हमेशा जो है जीरो रहेगा, यानी कि यहाँ पर नो वर्क डन कहलाएगा। सो ऑप्शन नंबर ये जो है सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए टैकोमीटर इज़ ए डिवाइस टू मेजर, सो टैकोमीटर जो है हमेशा जो है आप याद रखिएगा रोटेशन ऑफ स्पीड को जो है मेजर करता है। सो टैकोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि कोई बॉडी अगर रोटेट कर रहा है तो उसकी स्पीड कितना है इसको जो है मेजर करने में हमें मदद करता है। सो टोटल जो है यूनिट नंबर टू में 11 क्वेश्चन था, हमने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। सो अगले वीडियो में यूनिट नंबर 3 हम चर्चा करेंगे, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।